अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर होलसम रियल जेन्युइन व्लॉग दैट यू विल एवर फाइंड ऑन दिस एंटायर प्लैनेट ऑफ यूटी। तो कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं उम्मीद है, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी ऑफिस की तैयारी कर रही हूँ, आज ट्यूसडे है, और साथ साथ कोशिश कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट करने की। ऑलमोस्ट 70% हो गया, बाकी रिमेनिंग मैं अपने लंच ब्रेक के दौरान करूँगी, और फिर रात तकरीबन 9-10 बजे तक उसको मैं पब्लिश करूँगी, ठीक है। आज हमारे दरअसल क्लाइंट्स, US क्लाइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा रिलेटिवली प्रेजेंटेबल दिखने की ज़रूरत है। तो मैंने अपना ईद का जोड़ा एज ए वो एक जो दावत पर पहन के गई थी ना अपने इन लॉज की तरफ, बिकॉज दिस इज लिटरली द ओनली न्यू जोड़ा दैट आई हैव, तो ये निकाल लिया मैंने, बाल स्ट्रेट कर लिए हैं, बस इससे ज़्यादा एफर्ट हमसे ना हो पाएगा यार, ये ख़त्म हो गया मेरा। मैं उस दिन गई, किधर गई थी मैं, बिन हाशिम गई थी ना, हाँ बिन हाशिम गए जब मैं और अयाज ग्रोसरी करने, तो ये मैं साथ लेकर गई। मैंने बोला भाई ये है कैमोफ्लाज, किसका ये एसेंस का, तो बंदी कहती एक सेकंड ज़रा मैं इसको वेट कर दिया। पंखा चल रहा साथ साथ तो शायद आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो। हाँ तो बंदी कहती नहीं ये तो नहीं है, लेकिन एक और है वो आप ले लें, बिल्कुल ऐसा ही शेड है। मैंने कहा अच्छा चलें टेस्ट करवाएं, कहती टेस्टर नहीं है ये, बोतल में जो दिखाती है कहती इससे मैच करेगी, और इससे वो बहुत ज़्यादा लाइट था, कहती ये देखें बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा नहीं आप टेस्ट नहीं करवा रही हूँ, और दिखने में भी वो काफ़ी लाइट है, तो बहन के डार्क सर्कल्स आप वैसे ही देख सकती हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उनको कवरेज की, तो अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे तो फिर तो मैं नहीं ले रही। कहती नहीं नहीं आप यकीन करें हमारा रोज़ का काम है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं बहन, और कोई सस्ती चीज़ थी भी नहीं कि मैं उसको यकीन करके ले लेती, 2600 रुपये का था, और पता नहीं कौन सा फिटमी का था, मेबलिन का। मैंने कहा मैं इतनी महंगी चीज़ बिना टेस्ट किए तो नहीं ले रही, आई एम सॉरी। ये भी ना इस बार मैंने लाइट शेड ले लिया है, मेरा पाउडर भी ख़त्म है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हैं। अब अगले महीने आएंगी भाई जब सैलरी आएगी, अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, टैक्स भी सारे कट गए हैंस की टांग, यहाँ टैक्स दे के हम आधे हो रहे हैं, और वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे टैक्स के पैसों पे अयाशियाँ मार रही है। क्या करें इंसान, इससे ज़्यादा हेल्पलेस हो सकता है कोई? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ये टिंट मिस रोज़ का, यार वैसे मैं अगर सच बताऊँ ना, मिस रोज़ के का मेकअप सबसे ज़्यादा सस्ता है भाई, आई थिंक मुझे अब वहीं से ही मंगाना चाहिए अपना ये कंसीलर और पाउडर जो मेरा ख़त्म है। जो चीज़ें मुझे ये बाहर के ब्रांड्स की मिलनी है ना 2600-2600 रुपये की, यहाँ पे शायद 700-800 रुपये में मिल जाए, क्या करें भाई, सस्ते ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अब महंगाई तो सर पे चढ़ के नाच रही है। बस टाइम आ वैसे ही गर्मी बहुत हो गई, इधर आओ मैं व्लॉग बना रही हूँ। अयाज ने बाय द वे अपनी सारी दाढ़ी मुझे उड़ा दी है, और बहुत क्यूट और बहुत हैंडसम लग रहा है, आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली में बहुत प्यारे लग रहे हो यार, बस कर दो ना, बस कर दो, ये मॉइस्चराइज करो अच्छे से स्किन, हां बस ये तुमको ये करवाना है भाई, अभी आपने रेजर शेजर मारा है स्किन पे तो मॉइस्चराइज करना बनता है।
सामने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, बस आई थिंक यही था भाई मेरा मेकअप। अब ये इसमें से आवाज आना शुरू। मैंने शेव कर लिया ना, अब मैं बाल बढ़ाऊंगा। नहीं अब मैं बाल बढ़ाऊंगा, मेरी भी मर्जी चलनी चाहिए ना भाई। नहीं, क्या हो गया, गर्मी है। अब मैं इतने इतने बाल रखूंगा। कितने कितने? इतने इतने बाल। कितने? इतने इतने। यहाँ यहाँ तक। कबीर सिंह बनना तुमको? कभी मैंने रखे नहीं जिंदगी में, आज रखूंगा। मैं वैसे बढ़ते ही नहीं। कर लिया चेंज कर लिया मैंने, और आई थिंक दिस इज़ एज प्रेजेंटेबल एज आई कैन लुक विद मिनिमम एफर्ट। और आपको जो एक्सफोलिएशन है और वो जो राइस मास्क है उसके लश्कारे नज़र आ ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने सिवाय कंसीलर के कुछ भी नहीं लगाया, वो भी सिर्फ आंखों के नीचे। इसलिए ज़रूर जाएं और चेकआउट करें, और फिर मुझे ना फिर जो है ना बहन को थैंक यू बोलिएगा कि साइमा क्या चीज़ बताइए, क्या चीज़ बताइए। ओके तो निकलते हैं, बाकी ये सारा मैं सब मैं वापस आके ही समेटूंगी। पकोला बनाया जी मैंने, मैंने कहा गर्मी बहुत हो गई है, निकलने से पहले हम जरा अपने आप को ठंडा ठार कर लें। भाई तभी सत्तू ट्राई किया आपने से किसी ने अभी सत्तू? हाँ 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 ठंडी, वैसे ठंडा नहीं है और ठंडा ठंडा ठार होना ही फिर मज़ा आता ही नहीं। ओके जी, तो नौकरी पे वापस हाज़िरी लगा ली है, हाज़िरी तो नहीं लगाई मतलब अभी आ गए। और क्या कहते हैं, मौसम जो है काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है आज। आई तो यहाँ फ्लोर के तो हालात ही बदले हैं, कॉफ़ी मशीन ये वो सब आ गई है, पेंट शेंट हो गया है, क्योंकि जी अंग्रेज़ आए हुए हैं, सामने कनाडा का झंडा लगा हुआ है। मैं यहाँ से यही बोल रही थी कभी ऐसा भी होगा कि अंग्रेज़ जो हैं वो पाकिस्तान आए हमको इम्प्रेस करने। यहाँ तो कोई है ही नहीं, वो देखो पीछे कनाडा का झंडा लगा कि हम जो है ना हम हमेशा अंग्रेज़ों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। कभी ऐसा भी हो अंग्रेज़ पाकिस्तान में आए नौकरी ढूंढने, हमको इम्प्रेस करने। चल मैं दिन शुरू करूँ अपना। वैसे तो हम अर्ली अभी पूरे 20 मिनट है, चाय चाय बनाऊंगी, सेटल इन होती हूं। मैं किसी ने खाना नहीं खाया हुआ है? नहीं, ताहा भी अभी आया लेने के लिए, वो सामान खा कर आ गया था मेरे यहाँ से। ओके 3 बज चुके हैं, छुट्टी हो गई है, और मेरी हालत से आप देख सकते हैं कि आई एम डेड, बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा। एक तो शिफ्ट के जो आवर्स हैं वो नॉर्मल हो गए हैं वापस से, तो इस वजह से भी तकलीफ़ हो रही है, और दूसरी चीज़ ये कि क्लाइंट्स आए हुए थे तो उसकी वजह से पूरा टाइम जो है ना ट्रेनिंग्स होती रही हैं, और उफ़ बहुत ही बुरा वाला सर दर्द हो रहा है मुझे। एंड वी गॉट हनी फ्रॉम फ्लोरिडा, मेरी मैनेजर लेकर आई है भाई वहाँ का हनी, तो बस सयाज आ रहा है, घर चलेंगे, घर जाके मैंने चाय बनानी है, बहुत ही कड़क वाली, जबकि यहाँ भी मैंने इतनी चाय पी है लेकिन मज़ा नहीं आया, काम इतना था ना आज। उफ़
तो जी हेलो, तो जी वापस आते ही मैंने गर्मा गर्म शावर लिया बिकॉज़ आई न्यू कि ये जो थकावट है ना मेरी ठंडे पानी से तो नहीं जाने वाली, तो हॉट शावर लिया मेरा, बिल्कुल से फ्रेश हो गई हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। और मैंने साथ ही साथ अपना वो जो एक्सफोलिएटर है कॉफ़ी और शुगर का वो यूज़ किया है मुँह पे भी और हाथों पे भी, और ऐसे कुछ साफ़ सुथरे और सॉफ्ट हाथ हो गए हैं यार। दो चीज़ों की तो मैं फ़ैन हो गई, फ़ैन फ़ैन फ़ैन। एक तो जो अंडर आर्म स्मेल के लिए या अंडर आर्म स्वेटिंग के लिए जो मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ अपना बनाया हुआ, ये वाला ये जो स्प्रे है जो कि फिटकरी से यानी एलम से और कुछ और चीज़ें मिला के उससे बनता है, इसको मैं पिछले एक साल से इस्तेमाल कर रही हूँ बाय द वे, क्योंकि मुझे अंडर आर्म स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, उसकी वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी, तो गर्मियों में जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए ऑफिस में काम करना और बार बार जाके अपने आप को साफ़ करना अंडर आर्म से, बार बार अपना डिओड्रेंट रिफ्रेश करना, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम था। और हर वक्त मुझे वो अंदेशा सा लगा रहता था कि यार मेरे पास से स्मेल तो नहीं आ रही। तो जब से मैंने ये स्प्रे जो है डिस्कवर किया है तब से एक तो इस चीज़ की मैं फ़ैन हो गई। बाय द वे इसका लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, आपने अब तक अगर ये यूज़ नहीं किया फर्स्ट यूज़ से ही आपको पता लग जाएगा कि कितना सच बोल रही हूँ मैं और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो छोटा यूट्यूबर होता है ना जैसे कि मैं, वो कभी भी आपको गलत बात नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता है कि वैसे ही उसको देखने वाले लोग बहुत कम हैं। तो अगर वो कोई गलत बात बताएगा तो उसको जो चंद लोग देख रहे हैं वो भी देखना बंद कर देंगे। तो इसलिए जो स्ट्रगलिंग या ग्रोइंग चैनल्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बातें कंपेयर टू बिग यूट्यूबर्स आई वुड से कुछ बेहतर होती हैं, कुछ ज़्यादा सच भरी होती हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा ही है। कल को जब बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी तो तब भी मेरी कोशिश ऑफ कोर्स यही होगी कि जो भी चीज़ बताऊँ वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के बाद ही बताऊँ और सच ही बताऊँ इंशाल्लाह। लेकिन ये मैं सबके बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि जो भी स्ट्रगलिंग बंदा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि लिजिट से लिजिट इन्फॉर्मेशन आपको दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और शेयर करें और लंबे अरसे तक साथ जुड़े रहें। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है यार, मैं इतने लोगों को देखती हूँ रोज़मर्रा की बेसिस पे क्योंकि मेरा हर रोज़ ऑफिस आना जाना है, इतने लोगों को मैं देखती हूँ जिनके पास से स्मेल आ रही होती है। आप उनको नहीं बोल सकते हो कि आपके पास से स्मेल आ रही है, आप ये एक रेमेडी है मेरे पास, ये ट्राई करके देखो। ऑफकोर्स ये बहुत ही एक ऑकवर्ड चीज़ है बोलने के लिए, लेकिन आई नो कि वो बंदा जो है, ये बंदी जो है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है, वो सब कुछ ट्राई कर करके थक चुका होता है। इसलिए मैं हर व्लॉग में, ऑलमोस्ट हर व्लॉग में इस चीज़ का ज़रूर जिक्र करती हूँ कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, जाके वो रेसिपी देखें, वो ट्यूटोरियल देखें। और अगर आप खुद हैं या आप किसी को जानते हैं अपने सर्कल में जो इस एक कंडीशन से गुज़र रहा है, क्या कहते हैं इसको, हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं इसको मेडिकल टर्म में, हाइपरहिड्रोसिस, आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हाथों पे, पैरों पे, अंडर आर्म्स पे, फेस पे, तो ये वाला जो है स्प्रे आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रॉम द फर्स्ट यूज़ यू विल बी अमेज्ड। आपके 7 से 8 घंटे इतने सुकून के गुजरेंगे ना, क्या बोलेंगे, साइमा पप्पी, साइमा तुम्हारे लिए पप्पी। तो हाँ, एक ये चीज़, और दूसरा ये जो मैंने एक्सफोलिएटर बनाया, भाई फ़ैन हो गई हूँ। मैंने तो अपने बाथरूम में ही रख दिया उसको, जैसे ही ख़त्म होगा मैं नया बना लूँगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताई थी, ये कहाँ गया, ये देखो, ये जो मैंने बनाया था फ्लैक्स सीड का और राइस वाटर का, ये अब तक मेरा बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने फ्रिज में स्टोर किया हुआ है इसको, तो ये भी जो है मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं लगाती हूँ, क्योंकि जी गर्मियों में जो है ना इंसान का रंग और चेहरे की जो भी ग्लो होता है वो सारा कुछ बहुत जल्दी जो है ना वो मध्यम पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो घरेलू हैं, सस्ती हैं, जेब पे हल्की हैं, ये क्यों ना इस्तेमाल करें इंसान। और हाँ, सनस्क्रीन प्लीज़ यूज़ किया करें, प्लीज़ डेफिनेटली यूज़ किया करें सनस्क्रीन। विंसे की है जो मैं यूज़ करती हूँ, और
वीडियो पसंद आ रही हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे बंदे को हौसला मिलता है कि जी अच्छा पसंद कर रहे हैं लोग और चाहते हैं कि और कंटेंट बनाऊँ मैं, तो बहुत ही हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसलिए कमेंट भी किया करें अपने प्यारे प्यारे, और लाइक किया करें वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किया हुआ तो। बाकी व्लॉग को मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड कर दूँ। ओ बाय द वे लेट मी शो यू, ये देखें ये एक बहुत ही क्यूट सा जायंट साइज का मग लिख रही है मेरी मैनेजर, इसके ऊपर फ्लोरिडा भी लिखा हुआ है और ये हनी। सो दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफर, जबकि उसको ज़रूरत नहीं थी कुछ मिलाने की, सो स्वीट ऑफर। अच्छा जी, अभी मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं चाय बना कर पीऊँ, साथ में कुछ हल्का फुल्का सा केक खाने का दिल कर रहा है मेरे पास, और केक रखे हुए भी हैं मेरे पास, वो जो अपना पूरा प्लेटर बनाया हुआ मैंने उसके अंदर कपकेक्स रखे हुए भी हैं, तो पीछे ही मेरे कैटली पड़ी हुई है वो, अरे टी बैग वाली बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, ज़रा रिलैक्स करती हूँ। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा सा व्लॉग है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।